ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा आज आपके सामने लेटेस्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, ड्रीम्स क्या है, सपना क्या है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि सपना क्या है। दोस्तों क्या वास्तव में आपके सपने हैं? यदि आपके सपने हैं तो क्या आप उन्हें पूरा करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि मेरे सपने, सभी सपने पूरे हों, मेरी फैमिली के सपने पूरे हों, तो हम पहले ये जानते हैं कि क्या आप वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। फिर सिर्फ आप अपने सपने देखते ही हैं या सिर्फ उन्हें पूरा करना भी चाहते हैं। और यदि दोस्तों ये सब करने से पहले आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर सपना होता क्या है। आइए मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर सपना क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सपना बनता कैसे है। सपना तीन शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस प प्लस ना। आइए सब अब जानते हैं कि तीन शब्दों का मतलब क्या होता है। स का मतलब होता है समय। समय, क्या आपके पास पर्याप्त समय है? पैसा, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? ना। नाम, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण आपका नाम हो, जिसके कारण लोग आपको पहचाने, इसी को सपना कहते हैं। यदि आप ये सभी चीजें चाहते हैं, समय, पैसा और नाम, और आपका सपना भी तभी पूरा होगा, और आपका सपना भी तभी पूरा होगा जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। दोस्तों काम, दोस्तों मैं आज आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हम लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। यदि हम जिस दिन से अपने सपने के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से हम सपने पूरे करने लग जाएंगे। और ऐसा सिर्फ दुनिया में मात्र और मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपने के लिए काम करते हैं। 95% लोग अपनी जरूरतों के पीछे भागते हैं, और जिसके पीछे भागते हैं वही तो पूरा होगा ना। अरे जिसके लिए काम करोगे वही तो काम होगा ना। आप मान करके चलो पढ़ाई कर रहे हो, जब पढ़ाई करेंगे तो ही पढ़ाई होगी ना, परंतु आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो पास ही होगे, मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। आप 95% के लिए, 100% के लिए पास पढ़ते हो तो आपको 90% और 95% मिलते हैं, परंतु आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर पास ही होंगे ना। तो इसलिए यदि आप सपने के पीछे दौड़ रहे हो या सपने के लिए काम कर रहे हो तो सपना पूरा होगा, और यदि आप जरूरतों के लिए काम कर रहे हो तो जरूरत पूरी होंगी। आप अपनी जरूरतों के पीछे काम ना करें। सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं वही लोग जो सपनों को पूरा करने के लिए उनके लिए काम करते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको दुनिया के सफल और महान यानी 5% लोगों में अपनी गिनती करवानी है, या फिर 95% यानी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाना है। और आपको असल में दुनिया में सपना पूरा करना है तो सिर्फ 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, हम आपके सपनों को पूरा करवाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से। आपको 50 साल का पैसा मात्र 5 साल में मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए यही कि आप अपना सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, सपना क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी नई नई जानकारी देंगे। उसके लिए आपको यदि किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।